डियर स्टूडेंट्स, इन द लास्ट वीडियो वी डिड कम्प्लीटली सेंटेंसेज 51 to 55। ओके डियर स्टूडेंट, टुडे वी विल डू सेंटेंसेज, इंग्लिश स्पोकन सेंटेंसेज 56 to 60। सो लेट्स वी स्टार्ट क्लासेज फर्स्ट। ओके डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हेडिंग राइट डाउन, हेडिंग इज इंग्लिश स्पोकन सेंटेंसेज, इंग्लिश स्पोकन सेंटेंसेज। ओके डियर स्टूडेंट्स, लेट्स वी स्टार्ट 55 पे बेटा आपका, सॉरी 56 पे आपका, आपकी पेंसिल कहाँ है। आपकी आपकी पेंसिल कहाँ है, आपकी पेंसिल कहाँ है। वेयर इज योर पेंसिल, डब्ल्यू एच ई आर ई, वेयर। आई एस इज वाई ओ यू आर, योर। PENCIL, पेंसिल। वेयर इज योर पेंसिल, आपकी पेंसिल कहाँ है। वेयर इज योर पेंसिल। नेक्स्ट है देव क्या कर रहे हो। देव या देव की जगह आप नाम कुछ भी चेंज कर सकते हो, जो आपको नाम यूज़ करना है, जैसे रोहन, रोहित, शौर्य, परी, जो भी आपको नाम यूज़ करना है, अश्मी, अश्मी क्या कर रहे हो, इस तरह से आप नाम यूज़ कर सकते हो। तो अभी देव क्या कर रहे हो, तो देव व्हाट आर यू डूइंग, देव व्हाट आर यू डूइंग, देव क्या कर रहे हो, देव व्हाट आर यू डूइंग। नेक्स्ट इज आप कहाँ जा रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो। वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग। डब्ल्यू एच ई आर ई, वेयर। ए आर ई आर वाई ओ यू, यू जी ओ आई एन जी, गोइंग। वेयर आर यू गोइंग। नेक्स्ट इज हाथ अच्छे से धो, हाथ अच्छे से धो, वॉश योर हैंड प्रॉपरली। डब्ल्यू ए एस एच वॉश, वाई ओ यू आर योर, एच ए एन डी हैंड, पी आर ओ पी ई आर एल वाई प्रॉपरली, वॉश योर हैंड प्रॉपरली, हाथ अच्छे से धो, वॉश योर हैंड प्रॉपरली। नेक्स्ट इज बड़ों का आदर करो, बड़ों का आदर करो, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। आर ई एस पी ई सी टी रिस्पेक्ट, वाई ओ यू आर योर, ई एल डी ई आर एस एल्डर्स, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। डियर स्टूडेंट्स आई रिपीट अगेन, आपकी पेंसिल कहाँ है, वेयर इज योर पेंसिल, वेयर इज योर पेंसिल। देव क्या कर रही हो, देव व्हाट आर यू डूइंग, देव व्हाट आर यू डूइंग। आप कहाँ जा रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग। हाथ अच्छे से धो, वॉश योर हैंड प्रॉपरली, वॉश योर हैंड प्रॉपरली। बड़ों का आदर करो, बड़ों का आदर करो, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। ओके डियर स्टूडेंट्स, राइट डाउन सेंटेंसेस 56 to 60। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम संगीता मैम, टीचर ऑफ फर्स्ट क्लास एट एमएलपी स्कूल राजपुरा। डियर स्टूडेंट, कल हमने सर्वनाम पढ़ा, आज हम शब्द और वाक्य पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, शब्द और वाक्य क्या होते हैं। ओके, प्रश्न नंबर फर्स्ट बेटा, शब्द किसे कहते हैं। ठीक है, शब्द किसे कहते हैं। ठीक है, उत्तर क्या होगा, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। सार्थक मीन्स होता है बेटा सही रूप। ठीक है, सार्थक समूह मीन्स क्रम, वर्णों के सार्थक क्रम को या सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, जैसे क प्लस ल प्लस स, ये क्या है, वर्ण है। ठीक है, क्या है ये, वर्ण, और वर्णों का समूह बिल्कुल सही है। जब वर्णों का समूह सही होगा तो शब्द भी हमारा सही बनेगा और उसका कुछ ना कुछ अर्थ जरूर निकलेगा। यदि वर्णों का क्रम या वर्णों का समूह सही नहीं होगा तो हमारा शब्द भी सही नहीं बनेगा और न ही उसका कोई अर्थ निकलेगा। ठीक है बेटा, तो ये क प्लस ल प्लस स, कलस बिल्कुल सही है, आ प्लस ग, आग। ठीक है,
प्लस ता क्या बन जाएगा हमारा शब्द छाता। ठीक है, देखिए वर्णों के सार्थक समूह, तो ये वर्ण है, इनका ये समूह है और वर्णों के सार्थक समूह से यही सही क्रम से शब्द बनता है। ठीक है, तो यही क्या है, इसे ही शब्द कहते हैं। ओके बेटा, तो शब्द बेटा आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे कि शब्द किसे कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाक्य किसे कहते हैं। ठीक है, तो वाक्य किसे कहते हैं, देखिए उत्तर बेटा शब्द जो है वो किससे बनता है, वर्णों के मेल से। ठीक है, शब्द वर्णों के मेल से बनता है, लेकिन वाक्य किससे बनेगा, देखिए उत्तर शब्दों के सार्थक मेल को। ठीक है, शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। ओके, वाक्य किससे बनता है बेटा, शब्दों से, और शब्द बनते हैं वर्णों से। ठीक है, तो शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। जैसे उत्तर में देखिए उदाहरण, नरेश खाना खा रहा है। ठीक है, ये क्या है, देखिए शब्दों के सार्थक मेल को, शब्दों के सही मेल को, ये क्या है, शब्द है। देखिए नरेश खाना खा रहा है, ये सभी क्या है, शब्द है, और इनका क्रम बिल्कुल ठीक है, सारे शब्द क्रम वाइज रखे हुए हैं। ठीक है, शब्दों का मेल बिल्कुल सही है तो हमारा वाक्य भी सही होगा। ठीक है बेटा, देखिए ये दूसरा जो वाक्य है ये ठीक नहीं है, क्योंकि इनमें जो शब्द हैं इनका क्रम ठीक से नहीं है, जहां पे आना चाहिए था शब्द वहां पे नहीं है, क्रम इनका उल्टा है, तो ये वाक्य सही नहीं बनेगा। देखिए खा रहा है नरेश खाना, ठीक है, तो ये सही वाक्य नहीं कह सकते हम इसको, क्योंकि इसमें शब्दों का समूह ठीक नहीं है। ओके बेटा, नेक्स्ट वाक्य देखिए बेटा, राम कल घर आएगा। ये वाक्य भी बिल्कुल सही है, क्योंकि शब्दों का क्रम बिल्कुल सही है, यदि ऐसे लिखा होता घर आएगा राम कल, तो ये वाक्य गलत होता, ठीक नहीं होता, लेकिन राम कल घर आएगा, इसमें वाक्यों का क्रम बिल्कुल सही है, तो हम इसको सही वाक्य कहेंगे और ये वाक्य बिल्कुल सही है। ठीक है बेटा, देखिए बेटा हम फिर से रिवाइज करेंगे, प्रश्न नंबर फर्स्ट, शब्द किसे कहते हैं, उत्तर वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, जैसे कै प्लस लै प्लस स कलश, आ प्लस ग आग, छा प्लस ता छाता। ठीक है, प्रश्न नंबर सेकंड, वाक्य किसे कहते हैं, उत्तर शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं, जैसे नरेश खाना खा रहा है, राम कल घर आएगा। ठीक है बेटा, तो बेटा ये थे हमारा दोनों प्रश्न, आपको अपनी नोटबुक में साफ साफ और सुंदर राइटिंग में वर्क करना है। ओके बेटा, थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम सीमा मैम, टीचर ऑफ फर्स्ट क्लास, ओडिया स्टूडेंट। टुडे वी विल रीड जीके, आवर टॉपिक इज क्वेश्चन आंसर। ओके, सो मेट मेंशन योर हेडिंग क्वेश्चन आंसर। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, आई एन इन डब्ल्यू एच आई सी एच विच, इन विच जी ए एम ई गेम, इन विच गेम डब्ल्यू ई वी डी ओ डू एन ओ टी नोट, इन विच गेम वी डू नोट एन डबल ई डी नीड ए एन वाई एन ई क्यू यू आई पी एम ई एन टी इक्विपमेंट, इन विच गेम वी डू नोट नीड एनी इक्विपमेंट। ऐसा कौन सा गेम है बेटा जिसको हमें खेलने के लिए किसी चीज की, किसी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं होती, तो वो कौन सा हमारा आंसर आएगा, के ए बी ए डबल डी आई कबड्डी। ओके, कबड्डी ऐसा गेम है जिसको खेलने के लिए बेटा हमें किसी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं होती। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डब्ल्यू एच आई सी एच विच, आई एस इच विच इज टी एच ई द, विच इज द एफ ए एस टी ई एस टी फर्स्ट टेस्ट,
Which is the fastest? MEANS means OF of COMMUNICATION. Communication. Which is the fastest means of communication? Communication का सबसे fastest क्या आता है बेटा? हमारा email. 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 Okay? So next question है WHERE. Where? DODU. MUSLIF. Where do Muslim go for? Where do Muslim go for? PRAYER. Prayer. जो मुस्लिम लोग होते हैं वो प्रेयर के लिए कहाँ जाते हैं बेटा? मॉस्क्यू. MOSQUE. मॉस्क्यू में होती है मस्जिद. ओके सो मुस्लिम वहां पे जाते हैं प्रेयर के लिए? मस्जिद. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है WHICH. विच GAME गेम. विच गेम IS इज PLAYED प्लेड. विच गेम इज प्लेड BY बाय SACHIN सचिन TENDULKAR तेंदुलकर. जो सचिन ये तेंदुलकर है हमारे वो कौन सा गेम खेलते हैं बेटा? क्रिकेट. CRICKET क्रिकेट. ओके सो रिपीट करेंगे IN WHICH विच इन विच GAME गेम WEB DODU NOT नोट NEED नीड ANY एनी EQ UI PMENT इक्विपमेंट. इन विच गेम डू वी डू नॉट नीड एनी इक्विपमेंट. तो हमारा कौन सा गेम आएगा? कबड्डी. KABADDI कबड्डी. ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन है WHICH विच IS इज THE द FASTEST फास्टेस्ट. MEANS मीन्स OF COMMUNICATION कम्युनिकेशन. जो हमारा फास्टेस्ट कम्युनिकेशन होता है वो कौन सा होता है? ईमेल. EMAIL ईमेल. ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन है WHERE वेयर DODU MUSLIM मुस्लिम. वेयर डू मुस्लिम GO FOR फॉर PRAYER प्रेयर. जो मुस्लिम लोग होते हैं वो प्रेयर के लिए कहाँ जाते हैं बेटा? मॉस्क्यू. MOSQUE मॉस्क्यू में से आती है मस्जिद. नेक्स्ट क्वेश्चन है WHICH विच GAME गेम IS इज PLAYED प्लेड BY बाय SACHIN सचिन TENDULKAR तेंदुलकर. सचिन तेंदुलकर कौन सा गेम करते हैं? क्रिकेट. CRICKET क्रिकेट. ओके थैंक यू. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट. आई एम सीमा मैम टीचर ऑफ फर्स्ट क्लास. सो डियर स्टूडेंट टुडे वी विल रीड मैथ्स. आवर टॉपिक इज डिसेंडिंग ऑर्डर. सो मेंशन योर हेडिंग बेटा. DESCENDING descending ORDER order. descending order means क्या होता है बेटा? अवरोही क्रम या उतरते हुए क्रम. ओके इन मैथ्स द डेफिनेशन ऑफ descending order DESCENDING descending ORDER order MEANS means to GREATEST greatest to smallest SMALLEST smallest. हमें क्या करना है कि बड़ी डिजिट से छोटी डिजिट की साइड आना है. ओके सो एग्जाम्पल के लिए राइट WRITE राइट 1 2 10 NUMBERS numbers in descending 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 ORDER order.
हमें क्या करना है, 1 से लेकर 10 तक नंबर को राइट करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है बेटा, बड़ी डिजिट से छोटी डिजिट की साइड आना है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन में क्या था, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट मीन्स होता है कि सबसे पहले सबसे बड़ी डिजिट राइट करेंगे, उसके बाद छोटी छोटी ऐसे हम राइट करते चले जाएंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे 10 से, फर्स्ट डिजिट हमारी बड़ी क्या होगी, 10, उसके बाद सो नेक्स्ट 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, बड़ी डिजिट हमारी क्या हो गई 10, फिर 9, फिर 8, फिर 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। हमने क्या किया कि पहले बड़ी डिजिट राइट की, उसके बाद छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, ऐसे हम राइट करते चले गए, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल के लिए 25, 30, 9, 10 और 20, इसको हमें क्या करना है बेटा, डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे बड़ी डिजिट देखेंगे, इसमें क्या है 25, 30, 9, 10 और 20 में से बड़ी डिजिट क्या है हमारी, सबसे बड़ी डिजिट है 30। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सी डिजिट राइट करेंगे, 30। फिर नेक्स्ट हमारे देखो 30 हमारा हो गया, अब देखो 25, 9, 10 और 20 में से सबसे बड़ी डिजिट क्या है बेटा हमारी, 25। फिर नेक्स्ट, अब ये दोनों हो गई हमारी, अब 9, 10 और 20 में से बड़ी डिजिट क्या हमारी, 20। अब 9 और 10 में से क्या आएगा यहाँ पे, 10, और लास्ट में क्या आएगा हमारा 9। ऐसे हम बड़ी से छोटी डिजिट की साइड आए कि 30, फिर 25, 20, 10, 9। हमें क्या करना है कि डिजिट देखनी है कि सबसे पहले सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, और लास्ट में सबसे छोटी डिजिट राइट करेंगे। सो नेक्स्ट एग्जांपल है 40, 12, 50, 26 एंड 30। ओके, अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे बड़ी डिजिट देखेंगे हमारी, सबसे बड़ी डिजिट क्या है बेटा, 40, 12, 50 और 26 और 30 में से 40। तो हम क्या करेंगे, 40 राइट करेंगे। ओके, अब क्या करेंगे हमें 12, 50, 26 और इसमें सबसे बड़ी डिजिट क्या है बेटा हमारी, 50। 40, 12, 50, 26 और 30 में से सबसे बड़ी डिजिट क्या है, 50 है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या राइट करेंगे बेटा, 50। नेक्स्ट देन हमारी अब है 40, 12, 26 और 30 में से सबसे बड़ी डिजिट क्या हमारी बेटा, 40। तो हम क्या राइट करेंगे, 40 राइट किया। और अब क्या है हमारे पास, कौन कौन सी डिजिट है, 12, 26 और 30, इनमें से हम देखेंगे कि हमारी बड़ी डिजिट क्या है बेटा, 30। सो अब 12 और 26 में देखेंगे कौन सी बड़ी है, 26, और नेक्स्ट हमारी क्या होगी, 12। तो ऐसे हम क्या किया, सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, फिर ऐसे हम राइट करते हुए चले गए। ओके, सो एक एग्जांपल हो रहा है कि 36, 18, 27 और 5। हमें क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है बेटा, सबसे बड़ी डिजिट को देखना है। तो हमारी बड़ी डिजिट क्या है, 36। तो हम क्या राइट करेंगे यहाँ पे, 36। देन 18, 27 और 5 में से क्या राइट करेंगे, 27। नेक्स्ट क्या राइट करेंगे हम, 18। फिर नेक्स्ट सबसे लास्ट डिजिट क्या आएगी हमारी, 5। ओके, सो थैंक यू। हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू नेम द फॉलोइंग इन लेसन 6 ऑफ साइंस सब्जेक्ट। ओके, क्लास इज फर्स्ट। डियर स्टूडेंट्स, इन द लास्ट वीडियो वी डिड कंप्लीटेड फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, लेट्स वी स्टार्ट। आवर चैप्टर नेम इज एनिमल होम्स एंड बेबीज। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल डियर स्टूडेंट, हेडिंग इज लेसन 6, नेम द फॉलोइंग। ओके, फर्स्ट इज टू लैंड एनिमल्स।
टू लैंड एनिमल, जो धरती पे रहने वाले जानवर हो, कोई दो जानवरों के नाम लिखने हैं। तो आंसर इज फर्स्ट हो जाएगा बेटा आपका लायन, एंड सेकंड इज टाइगर। इसमें बेटा आप बफेलो, काउ, डॉग ये भी कैट कर सकते हो एज योर वेस्ट टू लैंड एनिमल्स, लायन एंड टाइगर। ओके नेक्स्ट इज टू वाटर एनिमल्स, पानी में रहने वाले दो जानवर नाम लिखने हैं अभी। फर्स्ट इज फिश, F I S H, फिश। सेकंड हो जाएगा बेटा क्रोकोडाइल, C R O C O D I L E, क्रोकोडाइल। फर्स्ट हो गया फिश, सेकंड हो गया क्रोकोडाइल। नेक्स्ट इज टू एनिमल्स दैट बिल्ड देयर ऑन हाउस, दो जानवरों के नाम बताने हैं जो खुद से अपने घर का निर्माण करते हैं, खुद ही अपने घर घर बनाते हैं। तो फर्स्ट हो जाएगा बेटा बीहाइव, जो मधुमक्खियाँ हैं वो खुद से अपने घर बनाती है। और नेक्स्ट हो जाएगा नेस्ट, सॉरी बिहाइव नहीं, बी ओनली, बीज। बी हो जाएंगी बीज, बी हो जाएगा। सेकंड हो जाएगा आपका स्पैरो, SPARROW। टू एनिमल दैट बिल्ड देयर ऑन हाउस, दो ऐसे जानवरों के नाम लिखे जो अपना घर खुद से बनाते। आंट होती है, चींटी होती है, वो भी लिख सकते हो आप। तो अभी फर्स्ट मैंने कराया है BEE, मधुमक्खी हो जाएगी, और स्पैरो SPARROW, स्पैरो, ये खुद से अपना घर बनाते हैं। नेक्स्ट इज टू एनिमल्स दैट लिव ऑन ट्रीज, टू एनिमल्स दैट लिव ऑन ट्री, दो जानवरों के नाम जो पेड़ों पर रहते हैं। तो फर्स्ट इज मंकी, MONKEY, मंकी, एंड सेकंड हो जाएगा स्क्वायरल, SQUIRREL, SQUIRREL, स्क्वायरल। स्क्वायरल हो जाएगा गिलहरी। तो टू एनिमल्स जो पेड़ों पर रहते हैं बेटा वो हो जाएंगे मंकी एंड स्क्वायरल, मंकी एंड स्क्वायरल। ओके नेक्स्ट इज ए फार्म एनिमल दैट लिव्स इन ए स्टेबल, फार्म एनिमल का नाम बताओ जो स्टेबल में रहता है, अस्तबल में रहता है। तो स्टेबल में कौन रहता है बेटा, हॉर्स, HORSE, हॉर्स है बेटा वो स्टेबल में रहता है। आई रिपीट अगेन डियर स्टूडेंट्स, टू लैंड एनिमल्स, धरती पर रहने वाले जानवर लायन टाइगर, लायन टाइगर, LION, लायन, TIGER, टाइगर। टू वाटर एनिमल्स, पानी वाले दो जानवर, फिश एंड क्रोकोडाइल, FISH, फिश, CROCODILE, क्रोकोडाइल। टू एनिमल्स दैट बिल्ड देयर ऑन हाउस, B and Sparrow. टू एनिमल्स दैट लिव ऑन ट्री, टू एनिमल्स दैट लिव इन ट्री, ट्री पर रहने वाले मंकी एंड स्क्वायरल, मंकी एंड स्क्वायरल। नेक्स्ट एंड लास्ट इज ए फार्म एनिमल दैट लिव्स इन ए स्टेबल, स्टेबल में कौन रहता है, हॉर्स। ओके डियर स्टूडेंट्स, राइट डाउन दिस क्वेश्चन आंसर इन योर बुक, बुक अगर बेटा भी आपने ले चुके जाता है सभी बच्चे, तो बुक में इनके आंसर की स्पेस दिया हुआ है। जिन बच्चों के पास बुक अवेलेबल है वो बुक में करेंगे इन क्वेश्चंस को, और जिनके पास बुक नहीं है वो नोटबुक में करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू कर्सिव राइटिंग पेज, सो लेट्स वी स्टार्ट।
cursive writing. ओके बेटा, आपको आपकी बुक में रीडर से, इंग्लिश रीडर से, साइंस से कोई भी एक टॉपिक उठाना है और आपको उसको कर्सिव राइटिंग में करना है. ओके, लेट्स वी स्टार्ट. टुडे टी ओ डी ए वाई. टुडे बेटा, एक रूल आपको हमेशा याद रखना है, जब आप कर्सिव राइटिंग करते हो तो आपकी जो पेंसिल की जो नोक होती है, कॉर्नर होता है इसका, ये जो इस तरह का कॉर्नर है, ये आप जब पेंसिल को आप टच करते हो, आपको कोई वर्ड लिखना है, जैसे टुडे लिखा अभी मैंने, टुडे जब आप स्टार्ट करते हो तो आपकी पेंसिल उठनी नहीं चाहिए. जिस बच्चे ने वर्ड को जैसे टी ओ डी लिखने के बाद अगर पेंसिल को उठा लिया तो उसी टाइम आपकी कर्सिव टूट कंप्लीट नहीं हो पाती है. तो आपको पेंसिल को उठाना नहीं है, पेंसिल को तभी उठाना है जब आपका वर्ड कंप्लीट हो जाए और जिस जगह पर आई हो, जे आ जाए या फिर टी आ जाए, किसी वर्ड में आई, जे या टी आ जाए तो आपको उस टाइम पेंसिल को उठाना नहीं है, डॉट लगाने के लिए, बीच में लाइन लगाने के लिए. जब आपका वर्ड कंप्लीट हो जाए उसके बाद ही आपको आई का डॉट है या फिर जे का डॉट है, फिर टी के बीच में जो लाइन है वो आपको आपका वर्ड कंप्लीट होने के बाद ही कंप्लीट करना है. फॉर एग्जांपल के लिए जैसे टुडे इज आई, तो आपको पेंसिल उठाना नहीं है, एस ये करने के बाद अब पेंसिल को उठाओ, बाद में डॉट लगा सकते हो. ओके, टुडे इज सोनियाज एस, अब चेक करो मेरी पेंसिल बिल्कुल नहीं उठेगी जब तक अब मेरा वर्ड कंप्लीट नहीं हो जाता. एस ओ एन आई वाई ए सोनिया, अब डॉट लग जाएगा आपका, कोमा एस सोनिया बर्थडे. बी आई आर टी एच डी ए वाई, अब इसमें बेटा देखो बर्थडे में आई भी आया है और टी भी आया है, बट मैंने मेरा वर्ड कंप्लीट करने से पहले हमने पेंसिल को उठाना नहीं है, अभी आई और टी है तो बाद में आप डॉट लगाओगे वर्ड कंप्लीट होने के बाद और बाद में ही आप टी के ऊपर लाइन लगाओगे. ओके, टुडे इज सोनिया बर्थडे, नेक्स्ट लाइन हो जाएगी हमारी ऑल ए डबल एल ऑल फ्रेंड्स एफ आर आई, अब आई आया इसमें, अभी पेंसिल को नहीं उठाना है आपको. ई एन डी एस, अब पेंसिल को उठाओ उसके बाद डॉट लगाओ आप. ठीक है, ऑल फ्रेंड्स आर ए आर ई, अभी पेंसिल उठाना है. विद डब्ल्यू आई टी एच, अभी सेम है इसमें आई भी आया है तो आई के ऊपर डॉट लगाना है, लाइन बाद में लगाना है जब आपका वर्ड कंप्लीट हो जाए. ऑल फ्रेंड्स आर विद हर एच ई आर, अब पेंसिल को उठाना है. ओके, नेक्स्ट लाइन हो जाएगी हमारी ऑल द चिल्ड्रंस ऑल ए डबल एल ऑल 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 द टी एच ई, अभी पेंसिल को उठाओगे फिर लाइन बाद. ऑल द चिल्ड्रन सी एच आई आया अभी हमारा, हमें पेंसिल को नहीं उठाना जब तक आपका वर्ड कंप्लीट हो जाए. एल डी आर ई एन, अभी पेंसिल को उठाना है आपको, डॉट अभी बाद में लगाना है. ऑल द चिल्ड्रन आर ए आर ई आर, ज़्यादातर बच्चों की आदत होती है ई को आप सीधा इस तरह से करके ऐसे कर देते हो, ई बेटा आपको फुल हमेशा ऐसे करते हुए गोल घुमाते हुए ऊपर की तरफ छोड़ना है. ठीक है, चिल्ड्रन आर वियरिंग
डब्ल्यू ई ए आर आई एन जी वियरिंग कलरफुल ड्रेस सी ओ एल ओ यू आर एफ यू एल। अभी आपको पेंसिल को उठाना है। कलरफुल ड्रेसेस डी आर ई डबल एस ई एस। अभी पेंसिल को उठाना, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने जो कर्सिव राइटिंग का भी आपकी फोर्थ लाइन कराई है, आपको इसी तरह आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको जो मैंने फोर लाइन लिखानी ये ही लाइन आपको अपनी नोटबुक में एक राइटिंग पेज करना है। आपको ओनली अभी पूरा पेज भरने की कोई ज़रूरत नहीं है बेटा, अभी आप ओनली फोर लाइन्स ही लिखेंगे। आप कोई भी बुक लो अपना जिसमें इंग्लिश में लिखा हुआ है, बुक उठाओ उसके अंदर से कोई भी आपको फोर लाइन्स लिखनी है। और हमेशा ध्यान रखना, पेंसिल जब आपका कोई वर्ड है उस वर्ड को कंप्लीट करोगे उसी के बाद पेंसिल लास्ट में उठानी है। पेंसिल आपको वर्ड के लिखते वक्त बीच में पेंसिल नहीं उठानी है, पेंसिल उठाओगे तो कर्सिव राइटिंग नहीं बन पाएगी आपकी। और ई का स्पेशली ध्यान रखना है, ई हमेशा हमें ऊपर ले जाते हैं, ऊपर की साइड गोल के करके छोड़ना है। ओके बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।